ये हमारा फ्राइडे फर्स्ट रमजान का अस्सलामुअलैकुम। रमजान की पहला जुम्मा की पहली सेविंग मुबारक आप सबको। हम सबकी तरफ से आपको रमजान का पहला जुम्मा सबको मुबारक हो। तो हम लोग चल रहे हैं सब रमजान की पहले जुम्मे की पहली सहरी के चंद में आ गए हैं। दूध बॉयल करने रख दिया है, हम लोग यहाँ तहज्जुद पढ़ेंगे जब तक ये दूध बॉयल हो जाएगा, फिर हम लोग चले सहरी से। चले भाई चले आनी नमाज पढ़ लेते हैं। और बाकी अम्मी और अवेज वगैरह ये लोग सब सो रहे हैं। अम्मी को आप देख सकते हैं सो रही हैं। अम्मी सहरी के टाइम उठती है, आपको मैंने बताया था। तो अम्मी फजर पढ़ के फिर सो जाती है। तो अब आनी देखें नमाज के लिए जा नमाज बिछा रही हैं। और हमें एक टेंशन है कि अहमद पता नहीं अभी तक भाई हमारा आया नहीं है। वो फुटबॉल खेलने चले जाते हैं रात को ग्राउंड में, पास गाड़ी लेके चले गए दोस्तों के साथ गाड़ी लेकर। अब पापा गुस्सा करेंगे उड़ गए तो। अब हमें इस बात की भी टेंशन है, तो नमाज में दुआ करो जल्दी आ जाए वो, क्योंकि पापा फिर गुस्सा करेंगे। आज ही पापा ने बाइक बनवाई और ये दोबारा लेके चले गए। तो ये है कि आप बस वो आ जाए तो फिर हम लोग भी नमाज पढ़ते हैं। अब आप हमारे साथ जुड़े रहे, मैं दिखा दूँ आज हम सेरी में क्या करने वाले। जी फुटबॉल चल रही थी। अच्छा अहमद आ गया और अहमद अब सोसाइटी फुटबॉल खेलने चले गए थे। कौन सी फुटबॉल हो रही थी पापा बताएंगे सुबह। सच सच बताओ, सच बताओ। फुटबॉल खेलने गए थे, रो रहे क्यों? क्या हो गया? क्या हो गया? अब पापा बताएंगे सुबह क्या हुआ। आज ही समराबाजी ने आलू और गोश्त का सालन बनाया था बकरे का, तो ये गरम कर लेती हूँ। दूध का एक मसला हो गया कि दूध मुझसे गिर गया बॉयल होते हुए। अमनी ने नमाज में देखा तो बोला जाओ जल्दी जो दूध गिर गया यहाँ पे, क्या कर रही हो। तो नमाज हमारी हो गई है तहज्जुद की। तो अब हम लोग करते हैं पराठा वगैरह निकाल, आटा निकाल के सहरी बनाते हैं। यही आटा है और दही भी बाहर निकाल लेते हैं और पराठों के लिए स्टार्ट कर देते हैं सहरी बनाना। तो हम लोग बनाते सहरी, फिर आपको मिलते हैं सहरी। माशाल्लाह से यासीन पढ़ रही है हमारा मदनी पंसूरा, आगे दिखाएगा है। ये मदनी पंसूरा है, इसमें दुरूद शरीफ दुआएं आयत वगैरह सब वगैरह भी। तो आज जुम्मे का दिन है तो आने का पढ़ना, कि वैसे भी आनी रोज तहज्जुद के बाद एक यासीन। तुम यहाँ से सीखते हैं इसमें से, यहाँ हमारी सुबह की सिस्टर भी देखी यासीन पढ़ रही थी सबको। और फिर मैं बहुत बहुत मेरी तरफ से, हमारे घर वालों की तरफ से, पूरी फैमिली की तरफ से हमें अपनी दुआओं में ला के याद रखिएगा। हम भी आपको हमेशा अपनी दुआओं में याद रखेंगे। क्या टाइम हो रहा है, इतनी देर तक आप जाग रही थी? आप किसके साथ आई हुई ये बताओ पहले। मैं अकेली। अकेली आ जाती है आप? मेरे को ना देखो, मैं ताला लॉक हुआ था, मैं खुद ही खोल लिया था। ओह मम्मा जाग रही है, सहरी कर ली सबने? वाह वेरी गुड, चलो फिर दिन में मुलाकात होती है, सही है। चलो ताली मार दो। चलो ये भी मामू की बेटी है, इतनी रात में आ गई है सहरी के टाइम हमारे को तंग करने। तंग करने आई हो? नहीं अच्छी बच्ची तो बहुत प्यारी। देख सकते हैं आनी, मैंने कैसे गोल पराठे बनाए। कैसे बनाए गोल पराठे? पराठे सही बने, गोल पराठे मैंने बना चुकी हूँ, देख सकते हैं। माशाल्लाह मेरा फुअड़, मैंने किसी से सीखा नहीं है, खुद ही बनाती हूँ मेरा फुअड़ पर। अम्मी मेरे गोल पराठे से देख लो, मेरे गोल पराठे उड़ गई। गोल पराठे से देख लो मेरे। नमाज पढ़ लो, कद्दू कर रही हैं अम्मी दादी के लिए, अम्मी उड़ गई। और आनी है पराठे सेकते हुए और मैं वहाँ बेलते हुए। अब बस हमारे दो पराठे रह गए, दो बना लिए, एक सिकरा एक बेल दिया और दो रह गए बनाने के बाद, बस खाएंगे। चाय भी बन चुकी है। सब शुरू हो गए हैं, सब शुरू हो चुके हैं। ये क्या है, मलाई? अबे इसको भी दे दो कप में ना अहमद, ये इधर रख लो अपने पास। ये एक मम्मा की चाय हो गई, चाय पापे है, मक्खन पापे खाओगे? अबे लगा के दे दे पापे। चलो मैं लगा के। उसके बाद ये नमाज पढ़ के आ गए। आज इन्हें बहुत टाइट रोजा लग रहा था,
तो ये, और मैं यहाँ कपड़े प्रेस कर रही थी जुम्मे के लिए, और ये मुझे रोज़ा इनको टाइट लग रहा था और ये मुझे तंग करते हुए और मैं इन्हें चिढ़ाते हुए तो बड़ा मज़ा आया इनको चिढ़ा के। फ्रेश हो चुके हैं, मैंने नमाज़ पढ़ ली थी जहर की अल्हम्दुलिल्लाह। आज जुमे का दिन है तो जुमा मुबारक सबको, और हमारा दिन बहुत अच्छे से गुजरा है, हमारा रोज़ा भी बहुत अच्छे से गुजरा है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का रोज़ा भी बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा और आगे भी अच्छे से गुजरेगा। जब तक के लिए अफ्तारी में आप लोगों को मिलते हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और अभी मैं कुरान पाक पढ़ने जा रही हूँ, बाकी सब भी कुरान पाक पढ़ रहे हैं तो मैं भी कुरान पाक पढ़ने बैठ रही हूँ। फिर इंशाल्लाह अफ्तारी के टाइम मिलते हैं, जब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और यहाँ सब देखें जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हुए, मैंने पढ़ ली थी और माशाल्लाह से अवेज भी नमाज़ पढ़ रहे थे, पर उन्हें पता चला वीडियो बन रही तो वो रुक गए स्टैचू की तरफ। नमाज़ पढ़ने के बाद क्या हो रहा है ये दोनों भाइयों का? हाँ, की नमाज़ मैंने पढ़ ली है, अब हम जा रहे हैं किचन तरफ पकौड़े वगैरह बनाने। अम्मी यहाँ बैठी है पापा के साथ और गोलू खेल रहे हैं। पकौड़े खाओगे? पकौड़े क्या खा रहे हो? आ जाओ किचन में। ऑयल मैंने यहाँ गर्म करने रख दिया है और ये पकौड़ों का बीटर आज आ रहे हैं। कौन आज कौन आ रहा है? हाँ, कौन आ रहा है? जब ही पकौड़े ज़्यादा बन रहे कौन आ रहा है पता? जल्दी बताओ। पता है उमर साहब आ रहे हैं आज हमारे घर। उमर साहब कौन है? तो साढ़े छः हो रहे, इतने ज़्यादा पकौड़े, फिर पापड़ भी 550 पर हो रहा है, फिर वो ही आधा घंटे में ये बनेंगे, फिर पापड़ भी तो कल लेट हो गया था, इस वजह से आज मैं जल्दी खड़ी हूँ क्योंकि पकौड़े भी काफ़ी ज़्यादा है और फिर पापड़ भी बनाने पड़ते हैं, कल लेट हो गया था दस्तरखान पे, तो इसलिए मैं जल्दी खड़ी हो गई हूँ। साढ़े पाँच हो चुके हैं और यहाँ पे अब आनी जो है वजू कर रही है नमाज़ के लिए और हम जो है किचन में बिजी। आज मेरे हाथ पे लग गई है यहाँ पे, तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, बस हल्की सी खाल हटी है तो बहुत दर्द हो रहा है। चले अब ऑयल गर्म हो गया है, तो उसमें अम्मी ने कहा है, सम्राज ने कहा सरसों के तेल में बनाओ आज, तो अम्मी ने मुझे आइडिया बताया, मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। अम्मी ने कहा था कि थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिएगा जब ये गर्म हो जाए, तो मैं थोड़ा नमक डाल दूँगी। आपको पहले अस्सलाम वालेकुम बोल दें। और जुम्मा मुबारक। कैसे बनाते हैं? रमजान का जुम्मा बनाओ। कैसे बनाते हैं? ऐसे करके, ऐसे भर के इसको स्पून में आज ये बनाएंगे और डालो आराम से छोड़ना, आराम से। बिस्मिल्ला बरकतिल्ला। ये कौन सी दुआ है? खाने की। जी चले ठीक है, मैं रख देती हूँ। अबे आप फ्रूट चाट बन गई, डालो क्रीम डालते हुए। वो खाई थी ना आराम से, वो जम गई फ्रिज में। अच्छा जी, यहाँ पे पकौड़ों का बीटर बन रहा है और यहाँ पे क्रीम फ्रूट चाट रेडी है, बस चीनी इसमें डलेगी। और ये नियत लगाते हुए। उमर बाबा बातें करो उससे। क्या हुआ उमर को? किसके घर आए हुए आप? सेकंड नानी के घर पर आए हुए, अपनी सेकंड नानी के घर। मम्मा छोड़ गई तुम्हें, दुख हो गया है, दुख। ओह माय गॉड, मच्छरों ने आपको इतना जख्मी कर दिया है। कातिलाना है ना, बड़े हो जाओ फिर नानी के घर। कातिलाना अदाए हैं, लाइट जाए तो। लाल क्वार्टर की तो आप यहाँ पर बैग बांधना, अपना मम्मा से बोलो बांधो और यहाँ आ जाना, मम्मा को वहीं छोड़ देना। सही है, ओके। हम से जान चुरा के ये देखें, सब बैठे हुए, ये देखें, ये कुरान शरीफ तो पढ़ना एक इबादत है, पर टाइम से आनी ये चला क्या नहीं चलेंगी। सब काम करके बैठे नहीं, वाकई है, मजाक कर रही हूँ मैं, सारा काम करके बैठी हूँ, बस मैंने पकौड़े पापड़ ही करे, ज़्यादा काम नहीं किया, फ्रूट चाट बनाई है बस। अवेज ने भी आज हेल्प कराई है,
टैंक घोला है, नौरस भी घोला है, पानी में चीनी घोली है, पकोड़े डाले हैं। आप लोग आ गए, पीछे देखेंगे ब्लॉग में। और बाकी सारा काम हो गया किचन में, मैं आपको दिखा देती हूँ। आज हम सारा काम करके बैठ चुके हैं। है चीनी, ये देखें पापड़ पकोड़े सब तल लिए हैं, और इनका रोज़ा नहीं है। जिसने हाथ मारा समझ जाए। ये क्या बन रही है? लस्सी। अली भाई लस्सी पीते हैं, तो अली भाई आ जाए हैं, तो ये लस्सी बन रही। देखें ये भी दही गिर जाता है यार, सही से बना रहा था। उमर कहाँ गया, मैं देख के आता। वो गई नन्नी। ये क्या हो रहा है? नन्नी ने भेजा है मुझे खास तौर पे। बोला चेक कराओ क्या हो रहा है बाहर। पीछे तो देखो कचरा प्लाट। ओ उमर, उमर आए भाई हमारे घर पे। उमर आए भाई, उमर आए भाई। आओ बोलो आओ। अली बाबा, अली बाबा, अबा। फिर उसके बाद देख सकते हैं मैं दस्तखान लगा रही थी, दस्तखान पे सारी सेटिंग कर रही थी अफ्तार की, सब रेडी था। रोज़ा खुलने में 10-15 मिनट रह चुके थे। और उमर भी आ गए थे आपा बन के। चलो बस सब नमाज पढ़ रहे हैं। आनी दुआ कर रही है, शैतान बनी हुई सम्राजी, दोनों दुआ कर रही हैं वो। और ये शैतान की काला, ये लोग दुआ कर रहे हैं। मगरिब की नमाज मैंने पढ़ ली, ये लोग भी पढ़ रहे हैं। और ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? नंगा एंगा पैंपर करो, पैंपर करो। कैसे हालत कर ली थी, बाहर मट्टी खा खा के तूने। ने उमर को बहुत रो रहा था, और कैसे सुना दिया एक मिनट में। कैसे झूठ ले बीपी लो। इनके अब्बा की तबीयत ख़राब हो गई है, तो वो हॉस्पिटल में है, उनको ड्रिप लगी है। तो ये यहाँ है, अम्मा अब्बा गए हुए, समरा बाजी इसको सुला रही है, बहुत मुश्किल से सोए। डॉक्टर थे जो छुई लगा ले, छुई लगा ले, छुई लगा ले। तो भाई हम उमर के साथ आज अपना व्लॉग एंड करेंगे। उमर बोल दे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें हमारा व्लॉग अच्छा लगे तो। अगर हम आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। और उमर के साथ अपना व्लॉग यही एंड करते हैं आज हम। माशाल्लाह से हमारा रोज़ा भी अच्छा गुजरा, दिन भी अच्छा गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह जुम्मा भी बहुत अच्छा गुजरा। तो गाइस अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। कहाँ देख रहे हैं, कहाँ देख लियो, ये मेरा दुपट्टा खींच रहे हैं उमर। तो यहीं पे अपना ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय गाइस, अल्लाह हाफिज़। जा रहे हो उमर, आप ना जाओ, तुसी ना जाओ, तुसी ना जाओ, जा रहे हो। तबीयत सही है? अल्लाह दे वाले जिंदगी रही फिर आएंगे इंशाल्लाह। अली भाई वाले जा रहे हैं। ये ले आपका बैग, पहले बीवी का होता था अब बच्चे का। कैसा लग रहा है? बहुत खुशी है मुझे, मेरे अल्लाह ने नेमत दी हुई है माशाल्लाह। ईशा की नमाज चल रही है, आनी से तो रखवा लो हाथ। आनी जिंदगी हाथ तो रखवा लो। इनका हाथ रखा हुआ जो ना बहुत भारी पड़ जाता है। रख लो मेहरबानी। ऐसी चल रहा होगा, टेंशन नहीं लो। नहीं वो ऐसी चल रहा होगा टेंशन, चक्कर आ जाएंगे अगर उस हालत में गई तो। चप्पल अली भाई की, चप्पल ये भी अली भाई, चप्पल लाइट मार रही हो तुम। जा रही हूँ उमर, उमर मेरे बेटा जा रहे ना मुझे छूट के। निकल रहे हैं, ठीक है, अल्लाह पाक खैरियत से पहुंचाए, ठीक है, आमीन। बहुत तवील है और आपकी सेहत भी थोड़ी सही नहीं है, तो अल्लाह पाक आपको खैरियत से पहुंचाए तीनों को। पापा को आयादत के लिए आए थे हम, और खुद आयादत बन गए, खुद आयादत हो गई हमारी, इनकी ट्रिप लग गई। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़।